A very good morning to everyone. I hope you are fine by the grace of Almighty, my dear student friends. First of all, I would like to thank you, everyone, for your cooperation with us. Your active participation is highly appreciable. Nowadays, you are trying your best. You are giving your best to learn more and more. So, dear student friends, as you all know that we have writing skills and advanced writing skills in our syllabus. इन डिटिंग स्किल वी है आपको मालूम ही होगा कि ये कम्प्रीशन ऑफ अनसिन पैसेज क्या होता है शायद आपको क्लास टेन में मिला होगा ये सो द क्वेश्चन इज वॉट डू मीन बाई कम्प्रिहशन आपको क्या समझ में आता है कम्प्रियशन से कंप्रीशन का मतलब क्या है कम्प्रियेंशन मीन्स दंडरस्टैंडिंग सो वी गैट वी सीन द क्वेश्चन पेपर वन लॉन्ग पैसेज एंड बिलो द पैसेज वी गेट फ्यू and अकॉर्डिंगली वी नीड टू write the आंसर्स फ्रॉम the passage हमें क्या होता है कि पैसेज से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन का आंसर निकल के लिखना पड़ता है तो अनसिन पैसेज देने का मतलब वही है कि आपका कितना अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है उस लैंग्वेज के ऊपर उसको जाँच करने के लिए सेस करने के लिए हमारे सिलेबस में क्या दिया गया कंप्रियशन ऑफ अनसिन पैसेज सो टूडे इन दिस क्लास आई विल डिस्कस हाउ टू राइट द क्वेश्चन हाउ टू रीड द पैसेज एंड हाउ टू कम्प्लीट द आंसर विद इन टाइम फ्रेम सो कंप्रियशन स्टार्ट करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि कंप्रीएंशन में मार्क कितना है ओके सो इट्स अबाउट टेन मार्क्स उसमें कितना मार्क्स का होता है टेन मार्क्स

तो कब uh, कैसा करना है साथ में कितने टाइम के अंदर हमें ये अनसिन पेसेज का क्वेश्चन आंसर खत्म करना है एंड द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इट विल राइज इन योर माइंड हाउ टू लुक अप द वर्ड्स आक्स इन द क्वेश्चन फ्रॉम द पेसेज कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स आपको दिया जाता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है उसका सिनोनिम क्या है या उसका एंटरनीम मतलब ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है सो so, उसको कैसे निकलना है दीज आर द क्वेश्चन कम्स टू अर माइंड

कितना आसान आएगा सो दिस इज अनप्रिडिक्टेबल आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे द मोर लेंथी द मोर डिफिकल्ट जितना लेंथी होगा इतना डिफिकल्ट होता है दैट इज वाई इन द एग्जामिनेशन यू गेट एक्स्ट्रा फिफ्टीन मिनट्स इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन एग्जाम्स पहले स्टार्ट होने से पहले हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है सो so, मेरा सजेशन यही रहेगा कि उस 15 मिनट में यू जस्ट रीड द पैसेज एंड यूटिलाइज

पहले पैसेज को दो बार पढ़ो फिर उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करो उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ो तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इग्नोर करो ट्रेडिशनल मेथड को बट दिस इज़ फॉर दिस ट्रेडिशनल मेथड इज़ ओके फॉर दो स्टूडेंट हु हैव कमांड ओवर देयर लैंग्वेज डिज दट दिस इज नॉट आ रॉकेट साइंस फॉर दैम जो अच्छा स्टूडेंट है जिसका इस लैंग्वेज के ऊपर कमांड है उनके लिए ये रॉकेट साइंस जैसा नहीं है वे एक बार पढ़ के आंसर कर देगा

देन नीड टू इग्नोर द ट्रेडिशनल अप्रोच उन लोग के लिए क्या करना है जो ट्रेडिशनल अप्रोच होगा उसको इग्नोर करना है सो बिफोर रीडिंग द पैसेज जस्ट गो थ्रो द क्वेश्चन क्या करना है बिफोर रीडिंग द पैसेज यू नीड टू गो थ्रो द क्वेश्चन फर्स्ट आपको क्वेश्चन पे जाना है सो ना द क्वेश्चन अगेन वाई टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट आपको क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि क्वेश्चन क्यों पहले बढ़ेंगे हम लोग द रीजन इज नाउ आई विल डिस्कस नाउ

जो जिस्ट होता है जो एसेंस होता है उसका जो पूरा एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि ये पैसेज किसके बारे में है क्यों क्या है After reading the question now, just go through the passage and underline the portion that will help you to get answer easily. So after reading the question, question you just go through the passage and underline this the important portion of the question. आपको पढ़ने के बाद automatically मालूम पड़ेगा कि ये question वहाँ पे मैंने पढ़ा था उसका एक link मिल जाएगा आपको और उस time उसको आपको underline कर कर देना है. So don't annoy yourself because of words. आपको पैसेज में ठाप ठाप वर्ड मिल गया उसके लिए आपको टेंशन लेने का नहीं टेंशन क्या करना है देने का इज द राइट तो क्या करना है उसके लिए आप टेंशन मत लो ट्राई टू तो अंडरस्टैंड द कंटेक्सट आपको कंटेक्स्ट को समझ में लेना है कि वर्ड बाय वर्ड आपको समझने की जरूरत नहीं है अगर समझ में आ गया कोई बात नहीं अच्छा है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वर्ड में मत जाओ कंटेक्स्ट के हिसाब से उसको समझ लो कि पैसेज में क्या बताया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल नाउ आपको पूरा ध्यान से सुनना है द एग्जाम्पल इज द वन लाइन ही एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिस हमको ये लाइन समझ लो मिल गया उस पैसेज में तो उसमें क्या बोला गया ही एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज ही सबको मालूम है ही का मतलब क्या है इंफॉर्मेशन का मतलब सबको मालूम है ऑफिस का मतलब सबको मालूम है तो आप उसी हिसाब से पकड़ लो कि उसको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन आपको वो लिया था आपको समझना है कि उसने ऑफिस से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया था या उसने ऑफिस से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया उसी हिसाब से कंटेस्ट हिसाब से समझ लो इफ यू अंडरलाइन इफ यू अंडरस्टैंड लाइक दिस एंड यू विल कैट सिमिलर वर्ड्स आफ्टर द आफ्टर दैट एंड यू विल नो द एक्स एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है निकालना तो उसका मतलब आपको समझ में आया कि उसने ऑफिस से इंफॉर्मेशन निकाला था तो पहले लाइन वर्ड बाय वर्ड मत समझो अगर टॉप वर्ड मिल गया अगर समझ में आ गया कोई बात नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा तो है तो कंटेक्सट के हिसाब से आपको समझना है सो नेवर गिव योर आंसर फ्रॉम द पैसेज डोंट कॉपी सॉरी दिस इज नेवर कॉपी योर आंसर फ्रॉम द पैसेज कभी भी डायरेक्टली पैसेज से कॉपी नहीं करना है इफ यू डू लाइक दिस यूल नॉट गेट फुल मार्क्स आपको डायरेक्ट मार्क्स दिया नहीं जाएगा बिकॉज कॉम्प्रीहशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग उसका मतलब ही है आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है आप अंडरस्टैंडिंग होने के आपको समझने के बाद आपके हिसाब से आपकी लैंग्वेज से आपको बना बना के सेंटेंस को आंसर लिखना होता है कभी कभी फैक्चुअल हो फिगर होगा जो डायरेक्टली आपको वहां से उठा देने से हो जाता है दैट इज डिफरेंट डू नॉट लीव अन पेसेज बिकॉज इट डिसाइड्स योर परसेंटेज तो आपको क्या करना है कभी भी छोड़ के नहीं आना है आपको जो भी समझ में आया उसी हिसाब से आपको बना के वहां से आपको उठा के आंसर लिख के देना है छोड़ना मन आए ठीक है थीके? छोड़ना मत सो थैंक यू वेरी मच आई थिंक आई हैव मेड माइ सेल्फ क्लियर अबाउट डिस कंप्रियशन ऑफ अनसिन पेसेज आपको क्या करना है अनसिन पेसेज मिलने के बाद उसको उसके पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है देखो जिसके लिए तो ये लैंग्वेज उनके ऊपर कमांड लैंग्वेज के ऊपर जिसका कमांड है वो तो अलग बात होता है तो मेरे ख्याल से आपको टाइम अगर कम मिल रहा है या आप एवरेज हो आपको पूरा ये डिफ़िकल्ट वर्ड मिल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ के उसको समझो उसके बाद पैसेज को पढ़ो पैसेज को पैसेज में टफ़ वर्ड्स मिल रहा है उस टाफ़ वर्ड को लेके टाइम वेस्ट मत करो कंटेस्ट के हिसाब से उसको समझो और लाइन बाय लाइन पढ़ के जाओ आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लिया आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको पैसेज पढ़ने के टाइम एक लिंक आपको हिंस मिल जाएगा उस हिंस के हिसाब से आपको आंदोलन करना है और क्वेश्चन को लिखना है और एक सेक्शन होगा अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है आपको निकलना है आपको नहीं लिंक मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी आपको डों डों के जो वर्ड उसमें टाफ मिलेगा आपको समझ में नहीं आ रहा है मिलेगा तो उस वर्ड्स को लिख के दे देना है लेकिन मैंने लास्ट में क्या बोला था कि कभी भी छोड़ के नहीं आना है कि वही उसके ऊपर आपका परसेंटेज डिपेंड करता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे राइट द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द नो द क्वेश्चन आंसर एंड दे राइट द आंसर प्रॉपरली बट दे नॉट राइट द आंसर इन प्रसिज प्रॉपरली फॉर दैट रीजन दे गेट लेस मार्क इन द एग्जामिनेशन तो इसीलिए आपको छोड़ के नहीं आना है तो so, उसके बाद मैं आपको आ, कुछ पैसेज आपको मैं दूंगा पैसेज में कुछ क्वेश्चन रहेगा साथ में उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के देना है ठीक है थैंक यू